सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके जो कि बिल्कुल मुफ्त है। मैं मोहम्मद मुकीम शेख हिंदुस्तान की आवाज़ में आपका स्वागत करता हूं। हम इस समय हैं घाटकोपर के रामनगर इलाके में। रामनगर में यहां पर पिछले 10 सालों से यहां के निवासी घर से बेघर हो गए हैं और ये अभी ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं और इनके मकान तोड़ दिए गए हैं और इन लोगों को बहुत समस्या है और ये अपने समस्याओं को लेकर मेन चुनाव के समय पर इन्होंने आज यहाँ पर आंदोलन प्रदर्शन किया है। तो आइए हम जानते हैं। मी किल्ले सिंधुदुर्ग सहकारी संस्था सोसायटीमधून प्रकाश पाटील बोलतो आहे। या ठिकाणी ही स्कीम योजना सुरू होऊन जवळजवळ 10 वर्षाचा कालावधी लोटला। सुरुवातीला 2 वर्षामध्ये जे काम केलं गेलं त्यानंतर आजपर्यंत या ठिकाणी या कामामध्ये कोणत्याही प्रकारची गती दिसून आलेली नाही। दोन्ही संस्थेच्या वतीनं सर्व लोकांनी आपली प्रामाणिकपणे घरे तोडून बिल्डरच्या स्वाधीन केली। कारण का तर झोपडपट्टीमधून चांगलं एखादं घर मिळेल असं प्रत्येकाचं स्वप्न होतं, परंतु आज 10 वर्ष झाली ते स्वप्न काही पूर्ण होत नाही। कारण या ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये राहणारी जवळजवळ 42 माणसं घराचं स्वप्न पाहता पाहता कोणत्या ना कोणत्या आजाराने मयत झालेले आहेत। पुढीली भविष्य त्यांच्या मुलांचं तशाच प्रकारे होईल का या चिंतेनं इथे राहणाऱ्या सर्व रहिवाशांना एक प्रकारे चिंतेने ग्रासलेलं आहे। अशा परिस्थितीमध्ये आत्ता जो निवडणुकीचा काळ आहे या निवडणुकीच्या काळामध्ये आम्ही लोकांनी ठरवलं की आम्ही निवडणुकीवर बहिष्कार टाकणार आणि असं एक ठरविल्यानंतर काल 2 दिवसापूर्वी निवडणूक आयोगाची काही माणसं या ठिकाणी येऊन आमच्याबरोबर त्यांनी संवाद साधला की तुम्ही निवडणुकीवर बहिष्कार टाकू शकत नाही कारण तो कानूनन एक गुन्हा आहे। आम्ही देखील त्याचा विचार केला आणि त्यांना सांगितलं की 10 वर्षापासून आम्ही या ट्रान्झिट कॅम्पमध्ये खूप मोठ्या समस्यानं त्रासित झालेलो आहोत, तेव्हा आपण याच्यावरती काही उपाय काढू शकता का। त्यांनी सांगितलं की आम्ही फक्त तुमची जी समस्या आहे ती वरपर्यंत पोहोचवण्याचं काम करू शकतो, पण तुम्ही निवडणुकीवर बहिष्कार टाकू नका असं सांगितल्यानंतर आम्ही विचार केला की पुन्हा या सर्व लोकांच्या वतीनं आम्हाला तो निर्णय घ्यायचा आहे काय करायचं आहे ते। तत्पूर्वी आमची जी समस्या आहे लोकप्रतिनिधी या ठिकाणी कोणतेही अजूनपर्यंत आलेले नसून लोकांना काय पाहिजे लोकांच्या कोणत्या समस्या आहेत याचं त्याने अजूनही या ठिकाणी येऊन विचारपूस केलेली नाही। मग त्यावेळी आम्ही असं म्हणतो की या लोकप्रतिनिधींना आम्ही निवडून का द्यावं, आमचा जोपर्यंत आमचं हे हा प्रोजेक्ट पूर्ण करून देत नाहीत, आश्वासन देत नाहीत, या कामामध्ये गती आणत नाही तो पर्यंत आम्ही त्यांना मत देण्याचा विचार करणार नाही अशी या लोकांची या ठिकाणी मानसिक स्थिती झालेली आहे। तेव्हा आम्ही आपल्याला विनंती करतो की इथल्या लोकांच्या ज्या काही समस्या आहे घराचं जे स्वप्न आहे आपण वरपर्यंत पोहोचून त्याला लवकरात लवकर न्याय देण्याचा प्रयत्न करावा एवढीच आमची अपेक्षा। धन्यवाद। सिंहगड सोसायटी के ब्रिजेश शर्मा जी हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आप लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और आप लोगों का कहने का मतलब यह है कि 10 साल से आपके पास कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आया, जबकि यहाँ पर लोगों में ये चर्चा है कि गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड यहाँ पर के स्वयं विधायक हैं, वो लोगों का काम करते हैं और जगह जगह बहुत उनकी चर्चाएं होती रहती है। तो क्या आप विधायक राम कदम और यहाँ के सांसद किरीट सोमैया या जो भी नगर सेवक हैं क्या आप लोगों ने उनसे संपर्क किया इस मुद्दे को लेकर? देखिए ऐसा है कि आज यहाँ से करीब 9 साल से सब जनता और सब रहवासी यहाँ से परेशान है और बहुत सारे यहाँ के रहवासी राम कदम किरीट सोमैया यहाँ तक के माड़ा कॉलोनी सब जगह लेटर डाल डाल के हम लोग सब हैरान हो गए हैं। सब लोग डालते डालते सब लेटर भी डाले हैं लेकिन जो गिनीज बुक में नाम जो जिसका दर्ज होता है राखी बांधने से नहीं होता है और साड़ी बांटने से नहीं होता है। जनता का पहले जो जिसका घर टूटा है पर उनका घर दिया जाए, अगर वो करके देता फिर अगर गिनीज बुक में नाम लिखा जाता तो मानते हैं कि भाई वो असली आमदार है करके।
और किरी सोमैया जी ऑलरेडी 5 साल से अपने खासदार थे यहाँ से, लेकिन खाली बात जाके स्टेशन पे फुट मापते थे, रेलवे का फुट कितना है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। गरीब जनता इसमें घर से बेघर है, उनको घर मिलना चाहिए। और बात आया अपने नगर सेवक की, नगर सेवक ने यहाँ पे सबसे चुनाव में चिल्ला के बोला था कि आप लोग मुझे वोट दीजिए, मैं जीतने के बाद में आपको 6 महीने में मैं घर बना के दूंगा। आज 6 महीने से उनको जीत के 2.5 साल हो गया, लेकिन वो आदमी एक बार भी यहाँ झाँकने के लिए आए नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम लोग की गलती है कि हमने सुरेश पाटिल को जिता के दिया यहाँ से, उनके बोलने पर दिया है। अभी सब जनता जागरूक हो चुकी है। अभी जब तक हमारा घर नहीं मिलेगा तब तक हम लोग किसी को वोट डालने वाले नहीं है। बहन जी आपका शुभ नाम? श्याम कुमार यादव। श्याम कुमार यादव जी, आप यहाँ पर पिछले कितने सालों से रह रही हैं? अरे मैं तो इधर बहुत साल से रह रही हूँ, लेकिन 10 साल से इस ट्रांजिट कैंप में हम लोग आए हैं। 10 साल से ट्रांजिट कैंप में? हाँ, 10 साल से ट्रांजिट कैंप में। यहाँ के जो बिल्डर होगी या SRA प्रोजेक्ट की सोसाइटी होगी जो बिल्डर के साथ तालमेल करके बिल्डिंग बनाने का काम करती है, तो आखिर समस्या कहाँ पर है? आप लोगों का काम क्यों रुका हुआ है? अभी यही तो हम लोग भी परेशान है कि समस्या हम लोग का क्यों नहीं हल रही है। बिल्डर बोलता है, एक मिनट, 10 साल से हम लोग यही तसल्ली दे रहा है कि हम लोग तुमको बिल्डिंग बना के देख रहे हैं। कौन दे रहा है ये तसल्ली? परफुल बोल रहा है, 17 वाला, कि तुमको बिल्डिंग बना के देंगे हम, तो हमारा भरोसा करो। लेकिन हम बोले ठीक है, चलो तुम्हारा भरोसा कर रहे हैं। 2 साल 3 साल हम लोग भरोसा किया। इसके पहले हम लोग बोला हाँ ठीक, थोड़ा काम फान के बना के 3 आदमी लेके आते, जहाँ 300 आदमी का काम है तहाँ 3 आदमी लेके आते। 3 आदमी क्या बिल्डिंग बनती है? लेकिन नहीं, चलो ठीक है बनाए। हम लोग तसल्ली करते करते हम लोग एकदम कंटाल गए। घड़ी घड़ी हम लोग मीटिंग लिया, हाँ बना के देख के हमारा भरोसा करो, लेकिन ये लोग बिल्डिंग बनाने के तैयार नहीं हैं। अभी इसके लिए हम लोग आंदोलन किए हैं कि नहीं भाई, हमारा घर हमको चाहिए। हम लोग परेशान हैं, टांजी के में कितना घर में भाई मर गया, बहन मर गया, पिताजी मर गए, सब लोग मर गए। क्या इधर ही मरने के लिए इसमें आए हैं? घर नहीं चाहिए हम लोग को? हम लोग इसीलिए परेशान हैं। आज देखो इनका उम्र कितना है, ऐसे ही कम से कम 40 से 42 लोग, 43 लोग यहाँ से गुजर गए। जीना मरना तो सब भगवान के हाथ में, लेकिन जो सपना देख के यहाँ पे आए थे कि अपने को अच्छा घर मिलेगा, 2006 में इन्होंने बिल्डर ने काम चालू किया अच्छा तरीके से, हम लोग को लगा 2 साल में घर मिलेगा घर के। आज ऐसा सिचुएशन है कि जो लोग रेंट पर गए, विकासक से भाड़ा लेके जो बेचारे बाहर गए, आज उनका भी 6 से 7 7 8 8 महीने से भाड़ा बंद है। आज वो लोग यहाँ पे जो घर मांग रहे तो उनको भी घर नहीं मिल रहा है। क्या समस्या क्या है? क्या क्या जवाब क्या देते? जवाब मतलब कैसा है कि उनको चेक रिटर्न, उन्होंने बोले कि जिनको रूम मांगते हैं उनको चेक रिटर्न कर रहे हो, लेकिन चेक रिटर्न करना है तो रूम अवेलेबल नहीं है। तो वो बोलते हैं कि देने आज देंगे कल देंगे, ये तो भाड़ा भी नहीं दे रहे, ये तो रूम भी नहीं। और ये जो सबसे बड़ा वो तो समझो भाड़े का है। आज ये जो समझो जो काम है, आज हम लोग को 2 महीने पहले मीटिंग हुआ था, बोले थे 2 महीने में हम लोग शुरुआत करेंगे, लेकिन आज वो बात को कम से कम 2 महीना हो गया। तो हम लोग कहने कि ऐसे बुजुर्ग, अभी ये मेरे मम्मी है, आज इनका उम्र देखो, ऐसे कितने बुजुर्ग है, कब उनका सपना पूरा होएगा? यहाँ पे कोई भी उनका इतना तो ताकत नहीं है कि 2-3 करोड़ का फ्लैट ले ले करके। तो हम लोग का यही गुजारिश है आपसे, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है कि आप ये जो सब कर रहे हैं, तो आप ये जो बात है, ये शासन का गवर्नमेंट का ये योजना है सर, तो आप ये योजना गवर्नमेंट से बात पहुँचा कि भाई आप उनके लिए कुछ करो। तो ये आपकी सोसाइटी जो रजिस्टर्ड सोसाइटी होगी, तो आप उस सोसाइटी में के पदाधिकारी आप क्या हैं? मैं हम लोग के सोसाइटी में ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर है, प्रशासक है। मैं उन झोपड़ी में से एक झोपड़ीधारक हूँ, सभासद हूँ मैं वहाँ का, सिंधुदुर्ग सोसाइटी भी भंग कर दी गई है, प्रशासक नियुक्त किया गया है। 10 साल पहले प्रशासक हम लोग के इंटरनल के प्रॉब्लम की वजह से 10 साल पहले प्रशासक नियम आता, तो अभी तक वही है। अभी 1-2 महीने में इलेक्शन होएगा, लेकिन हम लोग एक आज झोपड़ीधारक करके रास्ते पे खड़े हुए। अच्छा, मुझे आप लोगों में से ये बताइए कि कितने लोगों ने हमारे विधायक राम कदम जी को राखी बांधी इसमें से? हाथ उठाओ। राखी तो सब लोग हाथ उठाओ। आप सभी लोगों ने राखी बांधी है ना? तो आप अपने भाई के पास गई मदद मांगने के लिए? गई थी, मैं भाई के पास गई, भाई ने मदद देने के तैयार भी हुआ। हाँ। लेकिन आधे जन इधर होते हैं, आधे जन उधर होते हैं। नहीं, बहना तो सभी के लिए है।
तो बहना लेने के लिए सब बहना बन जाती है लेकिन आज अगर बहने सड़क पर उतरी हैं तो भाई का अभी हमारा हमारा रूम चार चार था, हमारा रूम तोड़ दिया तो क्या बोला हम बना के एक दो साल में दे रहे हैं तो हमारा रूम तोड़ के 9 साल 10 साल हो गया। तो बात हो गई, हाँ हम राम कदम जी की बात कर रहे हैं, आप उनसे मिले। इसके बीच में हम लोग नहीं आएंगे क्योंकि हमें हमको आने का जरूरत नहीं है। हाँ अच्छा, बोले इसके बीच राम कदम जी ने कहा कि हम इस बीच में नहीं है, बीच में हमको आने का जरूरत नहीं है, इसमें आने का जरूरत नहीं है। अभी क्यों दुखता है, ये अपना सुरेश पाटिल है, सुरेश पाटिल जीत के गए, 2-2.5 साल हो गया लेकिन कभी इधर देखने को नहीं आया कि हाँ पब्लिक के क्या हो रहा है। कोई बहने कुछ बोलना चाहेंगे? इसके ऊपर आपने जो सवाल अच्छा पूछा कि राम कदम जी सर के बारे में कि भाई क्यों बहनों के बारे में, अभी आपसे पहले थोड़ा प्रेस का मीडिया आई थी, उन्होंने शायद उनसे कुछ कांटेक्ट किया था तो उन्होंने ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया तो वो सुन के हम लोग हैरान हो गए कि उन्होंने बोला कि फॉर्म भरते समय हमारे पास आए थे क्या? किस तरह का फॉर्म? ये जो बिल्डिंग में जाने का ये जो एग्रीमेंट था प्रोसेस सारे प्रोजेक्ट करने का ये भरते पहले हमारे पास आए थे क्या? नहीं, वो भरने के टाइम पे आए या नहीं आए लेकिन अगर हमने बहन ने राखी बांधी तो उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी अब भाई की होती है। और हमारे विधायक वैसे बहुत ही वर्ल्ड फेमस गिनीज बुक रिकॉर्ड है। मैं हिंदुस्तान की आवाज़ के माध्यम से हमारे विधायक जी से निवेदन करूँगा कि आपकी इतनी बहनें आज सड़क पर आई हैं, आप अपने भाई का दायित्व निभाते हुए आपके पास जो सरकार का पावर है, आपकी सरकार सत्ता में है केंद्र में और राज्य में भी, तो आप इन बहनों को बेघर होने से बचाइए और इनको इनके अधिकार का घर दिलाइए। मैं ये स्वयं हिंदुस्तान की आवाज़ के माध्यम से इन बहनों के और हम सब के विधायक राम कदम जी से निवेदन करता हूँ कि वो पर्सनल इसके ऊपर इंटरेस्ट लेते हुए इन लोगों के लिए आप आगे आए और इन लोगों को इनके अधिकार का घर दिलाएं। और किसकी कुछ समस्या है? हाँ आ जाओ इधर आ जाओ। तो ये यहाँ यहाँ देखें, जितने भी लोग ये लोग सवाल आपको पूछे आपने उनको जवाब दिया या हमारे जो सोसाइटी के लोग हैं इन्होंने बताया कि हमने राखी बांधी राम कदम को, या फिर कोई कॉरपोरेटर आता है यहाँ कॉरपोरेटर के बारे में बात किया। मेरा कहना यही है कि आप जो भी मीडिया हमारे यहाँ पर आई है, जो भी मीडिया हमारे से सवाल पूछती है, हमारे तकलीफ़ों को जानती है, मेरा यही आवाज़ है, यही लोगों से बोलना है, मीडिया लोगों से बोलना है कि आप लोग ये चीज़ हमारे यहाँ के जो कॉरपोरेटर हैं, हमारे यहाँ के जो MLA हैं, हमारे यहाँ के जो MP है, हमारे यहाँ के जो माड़ा मिनिस्टर हैं, उनको जाके सवाल पूछा जाए, उनको जाके पूछा जाए कि ये आप लोग के एरिया में जो फॉरेन एरिया है, आप लोग के टेरिटरी में जो आते हैं, आप इन सब का भला कब करेंगे? आप इलेक्शन के टाइम बड़ी बड़ी जो भी जो उनके जो दायित्व होते हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये सब चीज़ों का जवाब आप कब दोगे? ये सब चीज़ों के डेवलपमेंट के बारे में जवाब कब दोगे? क्या ये आपके दायित्व में नहीं आता है? हम लोगों को घूमने भेजते हैं, हम लोगों के लिए ये करते हैं, हम शिवाजी जयंती के लिए बड़ा बड़ा प्रोग्राम रखते हैं, हम कोई भी जो हमारे यहाँ पर त्यौहार होता है उसके लिए बड़ा बड़ा सब चीज़ें करते हैं। ये उस सब चीज़ों से बड़ी चीज़ें हैं लोगों का घर, लोगों का साया। जब लोगों के ऊपर साया नहीं है तो आप किस बात की लोगों को गारंटी देते हैं कि हम आपके विकास के लिए सब कुछ करेंगे? हमारे ये जो गवर्नमेंट पार्टी के लीडर हैं, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारी जो बॉडी है, ठीक है, जो भी पार्टी की बॉडी है, वो बोलती है सबका साथ सबका विकास, ये किस बात का विकास है? उस बात का हमको कोई जवाब दे दे तो हम उसके लिए उसके हर सख चीज़ में सक्षम रहेंगे। जो भी पार्टी हमको इस सहकार्य में करेगी आगे 10 साल या आगे 20 साल तक, जब तक वो पार्टी हारे या जीते हम उसको सपोर्ट करने को तैयार है, लेकिन उस पार्टी को इस बात का जवाब देना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू दे, चाहे वो ट्विटर के थ्रू दे, चाहे वो फेसबुक के थ्रू दे, चाहे कोई भी एंगल के थ्रू दे, इस एंगल का हमको जवाब चाहिए। हम आप लोग के जो भी न्यूज़ अधिकारी है, हम चाहते हैं कि आप लोग ये जाके सवाल उनसे पूछिए जो हमारे इस दायित्व में फॉलो करते हैं। हम चाहते हैं कि प्रफुल्ल सत्रा से सवाल पूछो कि कब 10 साल से जो कमिटमेंट दे रहा है हम काम करके देंगे, हम ये करके देंगे, एयरपोर्ट अथॉरिटी का एविएशन का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हम 300 स्क्वायर फीट से 350 करके देंगे। अरे आप 300 350 की छोड़िए, आप पहले जो इस बिल्डिंग का प्रोजेक्ट रुका हुआ उस प्रोजेक्ट के बारे में बताइए, उस बारे में आप जाके सवाल पूछिए। तो मेरी मीडिया लोगों से हर मीडिया से यही निवेदन है कि आप जाके उनसे ये सवाल पूछिए और उसका जवाब लीजिए ताकि उनको भी मालूम पड़े कि यहाँ पे क्या चल रहा है। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मीडिया भी एक इंसान है,
और वो पर्सनल एक व्यक्ति के लिए 10 जगह नहीं दौड़ सकता है। जब बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है। जब तक आप लोग पीड़ित लोग हो, आप हमको बुलाए हम आ गए, हम मीडिया वाले उनके पास भागेंगे, वो हमको समय दे ना दे, नो कमेंट्स, बात ख़त्म। अगर आप मान लो बिल्डर हो या आप माड़ा के अधिकारी हो, हमने उनसे कहा आप इस बात पे जवाब दो, आपने कह दिया नो कमेंट्स, माजा जवाब टाइम नहीं भरपूर है, तो मीडिया के भी एक अधिकार है। जब तक आप नहीं बुलाओगे, जब तक आप नहीं बोलोगे, किसी से ज़बरदस्ती बुलवाया नहीं जा सकता है। अभी यहाँ पर बहनें भाई आप लोग मीडिया को बुलाए तब हम यहाँ पर आए, आप लोगों का से सवाल किया, आप लोगों ने जवाब दिया, तो हमने आपका जो सवाल और जवाब लिया है इसको हम हमारे चैनल के माध्यम से जहाँ तक भी होगा शासन प्रशासन तक पहुँचाने का हम काम करेंगे। और हम तो यही चाहते हैं कि मीडिया आने के वजह से आप लोगों की समस्याएं नेताओं के कान तक जाए, प्रशासन जो सो रहा है उसके कान तक जाए, सोता हुआ प्रशासन जाग जाए और आप लोगों का काम हो। बाकी सिर्फ मीडिया ही किसी भी समस्या का हल नहीं है, क्योंकि अगर मीडिया ही होती तो जनप्रतिनिधि की आवश्यकता नहीं थी। मेन है जनप्रतिनिधि, जनता का प्रतिनिधि हम लोग जनता इसलिए चुनते हैं कि हमारी जो भी समस्याएं हैं जनता और प्रतिनिधि के बीच में शासन और प्रशासन से वो काम करता है। और किसी को कुछ अगर कोई बहनें हैं कोई बोलना चाहती है हम, अरे क्यों बोले वाली बहनी चाहिए बोलो ना, मैं भी चल रहा हूँ। अब हम बुढ़ापा है, हम ऊपर जाए वाली है, फिर से बोला कभी मैं जाएगी, फिर से बोला के का मैसेज कहेगा। अरे मैसेज यही है कि हमारा सबका रूम राम कदम भाई ने बना के बोलो देने के लिए, राम कदम भैया हमारा भैया बन गए, एक दौर का भाई बहन का बंधन होता है, हम भाई के माना उनको वो बहन माने मेरे को, तो हमारा हम लोग ऐसा भटक रहे हैं, हर जगह से पानी टपक रहा है हम लोग के कपार पर, बाथरूम में जाओ तो इधर चूरा है पानी, सब पानी वो जूँ हम लोग, किधर नहाऊँ किधर खाऊँ किधर बैठूँ, कम से कम राम भैया राम कदम भैया से हाथ बिनती यही हम लोग जोड़ रहे हैं कि अभी 10 साल हो गया हमारा रूम तोड़ के, अभी हमारा रूम बन के चाहिए, जल्दी से जल्दी हमारा घर बना के दें, और हाँ हमारा बहुत परेशानी में हम लोग हैं, आज 10 सालों से बहुत मुसीबत हम लोग झेल रहे हैं बहुत, और ये घर का हम लोगों को घर चाहिए, खाली बस चाहिए घर चाहिए, ये नर्क से हम लोग को निकलना है कहीं, हमारा हम चक्का से घर मिला घर पाइए घर घर पाइए, मेरा रूम टूटा है मेरे को भाई रूम चाहिए, क्यों जब मैं अभी जिंदा हूँ थोड़ा, अगर मैं ऊपर चली जाऊँगा तो मेरा जो भाड़ा है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे हिंदुस्तान की आवाज़ यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे वीडियो का लेटेस्ट अपडेट मिल सके जो कि बिल्कुल मुफ्त है।